Oh my god, you मुंबईया भी ब्लैक पिंक. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई वी करने वाले हैं फैशन शो पार्ट वन क्यू लाइफ. बीडीएस की डब वीडियो है. एंड ये गाइस, हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था चेकआउट करने के लिए, कमेंट भी आया था एंड मैसेज भी, मतलब उन्होंने बोला था भी करो. तो काफी टाइम हो गया वैसे इसको लटकाते हुए. एनीवेज, सो दैट वी सी इन टाइम लेट्स अदर वीडियो पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. तो देखते हैं अभी. वेलकम टू फैशन शो. हो गया, मेरे कपड़े तो मेरी तरह ही वर्ल्ड वाइड सुंदर हैं. तुम लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे. बाबू, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूंगा, तुम मेरे पहन लेना. मैं जीनू के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनूंगा, बहुत ही अजीब होते हैं. अबे बिल्ले, तू क्या जाने फैशन के बारे में. तेरे कपड़े पहनने से अच्छा मैं नंगा ही बैठ जाऊँ. कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी. बाबू, तुम मेरे कपड़ों में पटाखा लगोगे. हे बाबू के जानू, तेरे कपड़े मैं पहनूंगा. तू तो नंगा बैठने वाला था ना. ज़ाले, तेरे को मुझे नंगा देखने का बड़ा शौक है. नहीं, इतना भी सुंदर नहीं है तू. मैंने किसी कपड़े पहने तो पक्का वो फट जाएंगे. डिस्ट्रॉय मॉन्स्टर हूँ ना. मैं कपड़ों के साथ ये बटुआ फ्री में दूंगा. इसमें तुम अपना लाली लिपस्टिक पाउडर रख सकते हो. ये तो बहुत ही गंदा है. $100 का है. एक्सपेंसिव. फिर तो किसी ने लूटा है तेरे को. देखो, तुम किसे कपड़े दोगे? मैं तो कुकी को देना चाहता हूँ. क्या दोगे? चुमिया. कपड़े दूंगा बेशरम कहीं के. तुम सबकी सोच है. एक दिन है ना, मैंने तुम सबका गला घोट के मार देना है. फांसी लगा दूंगा जब. लेकिन बाबू सोना करना नहीं छोड़ेगा, हमें मार देगा. जिमी तो छोटू साइज के कपड़े किसी को फिट ही नहीं होंगे. नामजुन को मेरे कपड़े पहनने पड़े तो. सोच के हंसी आ रही है. मेरी पैंट शुगा को और मेरी शर्ट नामजुन का ब्लाउज बन जाएगा. और मेरे कपड़े में तू चलता फिरता टेंट लगेगा. इतना भी छोटा नहीं हूं मैं. दांत निकालना बंद कर. चलो एक दूसरे के लिए कपड़े लेके आते हैं. ये क्या राहुल? वो तो हर कपड़े में अच्छा लगता है. ओ, क्या तू मेरे बाबू को. अरे ये फौजी वाली पैंट. क्या बोलती है पब्लिक? यही दूंगा मेरे बाबू को. एकदम थानेदार लगेगा इस कपड़ों में. थानेदार फौजी वाली पैंट भाई. भाई क्या पता कितने अनमोल है ये. मेरे कुकी ने गिफ्ट जो किया है. टाई के पास काफी टाई है. बैड जोक, बट मैं मतलब टाइंग को ते बोलते हैं, मतलब मुझे पता है करियर में. बट जो इंग्लिश वाले मतलब अगर वैसे लिखा हुआ देखे तो टाई बोलेंगे तो टाई. एनीवेज, कुछ भी नहीं है. हम तो कच्चा भी 5 लाख का पहनते हैं. और ये वाला सूट तो मैंने जीनू भाई के लिए खरीदा था उनके बर्थडे के लिए. लड़कियों संभल के, मेरी हॉटनेस को तुम हैंडल नहीं कर पाओगी. ये देखो मेरी मॉडल वाली वॉक. फैशन का है ये जलवा. ये गाना इसकी बीट बड़ी अच्छी है ना. जो मेरे जो लाइक वो एडलिब है वुमन की, वो काफी अच्छी साउंड करती है. ये वाला कपड़ा तो मैंने एक ही बार पहना है. ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें मेरी बॉडी छुप जाती है. बॉडी बनाई है दिखाने के लिए, छुपाने के लिए? क्यों लड़कियों, क्यूट लग रहा हूँ ना. और जो बोलेगा मैं क्यूट नहीं लग रहा हूँ, तुम हेटर्स हो. आई हेट यू. ए रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेशन. लड़कों से क्यों नहीं पूछ रहे? टायंग भी को पहनने के बाद इक्वालिटी नहीं रख रहा. एंड आरएनबी अंदर दो दो एसी फिट करवा रखे हैं. इस कपड़े में तो मैं कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा हूँ, कहीं नजर ना लग जाए. क्या बट है तो बाबा जी की माला पहन लेता हूँ. अब नजर नहीं लगेगी मेरे को. इसमें तो मैं फुद्दू लग रहा हूँ. लगने दो नजर, इतना भी सोना नहीं हूँ. माला बना रही हूँ. शायद मेरी बिल्लियों ने खरीदे होंगे, तभी बैंक बैलेंस खाली हो रहा है. ओके, समझ नहीं आ रहा है. सबसे सस्ता माल किधर है? मिल गया. ये रहा सरोजिनी का माल. 1400 बोल रहा था, 140 में उठा के लाया हूँ. साले ने 140 में दे कैसे? पक्का यूज माल है. लो छेद भी. अरे नहीं, ये तो मुंडी डालने की जगह है. एक काली वाली दे देता हूँ, सबसे गंदी लग रही. अरे ये तो 4 लाख की है. नहीं, इसमें तो अमीर हो जाएगा. ये
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आप आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि वहाँ पे अपने ओपिनियंस देके आप बहुत सारे सचिन, हाँ बाय द वे, जिनको जो मेरे हिसाब से सारे ज्यादा देर पुराने हैं, बट ये क्यों लाइव है, मतलब सिर्फ मेरे चैनल पे मुझे लग रहा है वो अपलोड हुई होगी, जो रिएक्शन होगी मतलब औरों ने भी की होगी, बट जो ओरिजिनल वीडियो है उन्होंने प्राइवेट कर दी, पता नहीं क्या चक्कर है, वो समझ नहीं आ रहा। एंड मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे हाउ कुड यू, मैंने कुछ बोला ही नहीं था सच में, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला भी जो बुरा हो, मुझे तो नहीं लगता या मुंह से निकल निकल गया, मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं आप इतना बुरा बोल रहे हो, मैंने बोले कुछ नहीं सच में। आई डो नॉट हैव अ ओपिनियन। आपको मिलेगा 365 रुपीस का बोनस और यहाँ पे खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स, और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 24 घंटे 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट भी है। यहाँ पे क्रिकेट के अलावा 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन पे आप अपने काफी टाइम बाद क्यू लाइव को देख रहे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े, इट्स नाइस टू सी, अब तारीफ करें, ओह माय गॉड क्यू लाइव, ओए तो देरी मत कीजिए, अभी डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365.in पर। हे जीमिन क्या कर रहा है? ओ बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है, लगता है गलत समय पे, तो वही अच्छा। ओ गुड लाइफ इज बिग टाइम नाउ, मतलब जो ये लोटस 365 उधर भी होती, जो कॉमेडियन सारे जो हैं, मतलब जैसे कि सारे जो कॉमेडियन यूजली मतलब अपने वीडियोस में स्टैंड अप्स में डालते हैं, तो ओके क्यूट लाइफ इज बिग टाइम, हाँ मतलब उनसे ज्यादा सब्सक्राइबर है क्यूट लाइफ के। एनीवेज शरीफ, अब मुझे कोई नहीं कह सकता मैं कुछ बुरा बोला, ठीक है, मैंने सच में नहीं बोला यार, मेरे भी पता नहीं किस चल रहे हो। लड़कियां तो फालतू में मेरे को डिसलाइक करती हैं, लड़कियों का साकी नाका। कपड़े के साथ बेल्ट भी ले लेता हूँ, किसी ने मेरे कपड़े पहनने से मना किया ना तो इसी बेल्ट से मार मार के बुलवा दूंगा। आप सभी तैयार हो जाओ मेरा फैशन का जलवा देखने के लिए। मेरी कोई पोछा मारने वाली शर्ट है क्या, वो दे देता हूँ। मेरी चमचमाती शर्ट के साथ लाल पजामा जो भी पहनेगा वो चलता फिरता कचरा उठाने वाला लगेगा। ओह माय गॉड, इतना टैलेंट मेरे पास ही क्यों है। ये रही मेरी सफेद शर्ट और काली टाई, बना के दे देता हूँ, दूसरे मेंबर को टाई बनानी नहीं आती है ना। अच्छा बन गई, ये रहा मेरा पूरा लुक, अच्छा है ना। देखते हैं अभी, देखते हैं कपड़े, बदबू आ रही है, साइड में रख देता हूँ। ये काली काली टी शर्ट भी ले लेता हूँ, मैं तो बिना टी शर्ट के भी पहन लूँ क्योंकि मेरे पास सिक्स पैक है, लेकिन उन लोगों के पास तो बाबा जी का ठुल्लू है यार। ये सारे वीडियो में फ्लैक्स ही कर रहे हैं, अब लगेंगे सबके सब नमूने। ये तो जोकर के कपड़े लग रहे हैं, ये मैंने भिखारी से इंस्पायर होकर बनाया टोपी के साथ। ये पैंट तो मेरी है जो कचरे में फेंकी थी, मैंने उठा ली, मेरे कपड़े तो किसी को फिट ही नहीं होंगे, मैंने उठा ली। ये कपड़े तो मम्मी ने दिलाए थे जब मैं 12 साल का था, कहा था जब तू बड़ा होगा तो ये फिट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे को फिट नहीं हुआ। ओके पता नहीं क्या हुआ है, शायद लकवा धर गया मेरी हाइट को, जिस दिन से कपड़े खरीदे तभी से मेरी हाइट पे ब्रेक लग गया है। ये भी मेरे को फिट नहीं होते, ये भी किसी को दे दूंगा, दान करना चाहिए दोस्तों। और ये पापा ने दिलाए थे, ये भी फिट नहीं हुए, ये भी किसी को दान दे दूंगा, पुण्य मिलेगा मुझे। जिमी से मैंने कपड़े मांगे, उसने दिया नहीं, कोई फायदा नहीं, चूहे जितने तो कपड़े हैं उसकी छुट्टी छुट्टी। मैं अपने कपड़ों के साथ एक टोपी भी रख देता हूँ। लग रहा है ना टोपी बाग? जी सर। मुझे ऑफेंडेड फील हो रहा है जिमी के लिए। कौन सा कपड़ा लेके आए हो तुम लोग? मैं दो दो कपड़े लेके आया हूँ, एक छोटे आदमी के लिए, एक बड़े आदमी के लिए। ओके। दो दो कपड़े लेके आया, मैंने एक मांगी थी, दी नहीं। जिमी तेरे कपड़े मुझ पे ब्लाउज जैसे लगेंगे, मैं नहीं पहनूंगा। अरे ब्लाउज लगेगा तो साड़ी पहना देंगे आपको। ओके। बहुत बड़ी होती है साड़ी, वो तो कम नहीं पड़ेगी ना। मतलब आज तू अपने कपड़े पहनवा के मानेगा? सही पकड़े हैं, मैं तो कचरे में से उठा के लाया हूँ कपड़े। तो चलो फिर फैशन शो शुरू करते हैं। हम लगाने okay, जा रहे हैं लाली लिपस्टिक पाउडर। मुंबईया भी ब्लैक पिंक मुंबईया, बस उसका मतलब होता है कुछ, मुझे लगा वैसे ही कोई वर्ड है मुंबईया, मतलब वैसे ही जो गानों में बोल देते हैं मीनू मुंबईया मीनिंग। अच्छा इज अ स्पाइसी सॉन्ग,
ना एक्सप्रेशन फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, मतलब वैसी कोई एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं है ना, मतलब उन्होंने गाने में बनाया है, जैसे भी सिरा जैसे बोलते हैं, मतलब एक्चुअली वैसे होता है उसका मतलब, बट समझ रहे हो। एनीवेज रही है। हम चलते बापू जी हैं भी वीडियो तो में। कपड़े नहीं पहनेगा, छोटे पड़ जाएंगे। तो कौन कह रहा है मेरे कपड़े पहनने को? नंगा ही चला जाए स्टेज पे, नंगू बाबा बन के। ये किस आइटम का है रे? अब दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसकी गर्लफ्रेंड है, उसी के मोजे लेके आया है ये। चुप हो जाए यार, गर्लफ्रेंड भी वीडियो यार देखती प्लीज। लड़की का छक्का छोड़ दे भाई, मेरे को दे दे। लड़की ये कपड़ा मैं कचरे में फेंकने वाला था, फिर सोचा तुम जैसे गरीबों को दे दूं। गरीब कौन है यहाँ पे, हम सब तो शुगर बिलियनर्स हैं। बिलियनर्स, आर यू रेडी? जगह चेंज करो, उधर जा। बाबू कम है यार। ये नहीं मैं आऊंगा। ना ना, तू अपने बाबू के पास जा, मैं नहीं जाऊंगा। ए जी मिंटू आ गए इधर। अच्छा दो जी बंदों के हो, पास समझ है। नहीं आ रहा, चलो फिर से करते हैं। बैठा है, इस बार अच्छे से रिकॉर्ड कर लियो। इस बार मंत्र मार देता हूँ। जिमिन के पास चला जाए ना। हाँ, उसमें क्या जो मुझे वो सारे पर ही खड़ गए थे। बैठे मौज कर दी, बैठे बैठे। शादी मुबारक हो मिसेस यूंगी। अबे शादी नहीं हुई है, क्या भूल दिया है मेरे को उसने। सब तैयार हो जाओ। हाँ जी, बिल्लू के पास पहुँच जाए। मेरे बिल्लू बिल्लू के पीछे लगाएगा, इतने में मौत आ जाएगी। ये आवाज क्या जाएगी? ये फूल गया है कुकी के पास। ओह नो, बाबू मैं तुम्हारी तरफ फूल फेंकूंगा, पकड़ लेना। बाबू के चक्कर में पगला गया लौंडा। मेरा बाबू छिल छबीला, मैं तो नाचूंगी। जगह चेंज करो, जगह चेंज करो। झूठ मत बोल। ये वो पीछे तो देखो, ये काफी पॉपुलर था आज से 5 साल पहले। फिर से फूल फेंकू की, हम बूढ़े हो गए। 5 साल पहले की बात है ये। ये फूल जाए पीछे हो देखो। अब बेटे शुआ के पास आया है जी। ध्यान से देखो, हॉबी के पास आया है। तो तू बता किसके पास आया है? आई थिंक शुआ के पास। ओ यार टकला, तेरे को बिल्ली से नचवाऊंगा। अब बारी है जीनू की। ओए मां, भगवान मुझे मौत दियो लेकिन इसका फूल मत दियो। मैं बीच में नहीं आऊं, हट जा। मेरे गुलाबी गुलाबी कपड़े पहनने वाला खुश नसीब है जी। जी। ओ सच में ये हो? पिंक ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। जीनू तू बीच में है, इसको कैसे पता चल गया? साइड साइड। मुबारक को, हम दोनों एक दूसरे कपड़े पहनेंगे। क्या बोल जा रहे हैं? मेरे कपड़े पहनने को सेक्सी लगेगा। कपड़े ब्लाउज जितने छोटे हो तो सेक्सी ही लगेगा, ये वाला पहन ज्यादा सेक्सी लगेगी। वाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम। मोची बेबी क्या चल रही है? कुछ नहीं बिल्लू, वो मैं फिसल गया था इसकी बॉडी पे। अब सुगा का मुक्का फिसलेगा तेरी बॉडी पे। मोची बेबी तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कपड़े लेके आया हूँ। तू नहीं कमाता पोछे वाले कपड़े हैं। पोछे वाले ही हैं, हमारे पोछे भी ब्रांड न्यू होते हैं। देख स्टिकर परांडा का है, परांडा का। कुकी तुम इतने नहीं लाए थे ना, लेकिन मुझे बिल्लू को मिल गई। आर्मी वाले कपड़े पहन के शुगर लड़की की तरफ गोली चलाएगा। फिर लड़कियां बोलेगी हाय दया मार डाला रे, प्यार का मलहम लगा दूंगा, ठीक हो जाएंगी रे। जीनू तुम मेरे कपड़े पहनोगे तो तुम वर्ल्ड वाइड भिखारी लगोगे। अच्छा इस टोपी में भीख मांगना है। दोस्तों ये देखो इसका गंदा पर्स। हाय बिल्लू, गंदा नहीं है, एक्सपेंसिव है, $100 का खरीद के लाई थी मम्मी। मेरे पर्स के साथ जूता भी दे रहा हूँ तेरे को, अच्छा लगेगा तेरे पे। ये जूते तो यूज करे हुए हैं, साफ भी नहीं किए इसने। देखा छी छी छी, गोबर लगा हुआ है इसमें। अंदर गोबर नहीं है, डिजाइन है वो। कभी जूते तो खरीदे नहीं, पता क्या हुआ तेरे को? मुंह बंद कर ले वरना यही मुंह पे छाप दूंगा तेरे। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है भैया। तेगुआ इन कपड़ों में तुम बॉडी बिल्डर लगोगे, मैं पहन के दिखाता हूँ। लड़कियाँ घायल मत होना नाम जिनको देख के। इसको फेंको। बॉडी तो मेरी भी है लेकिन आजकल छुट्टी पे गई है।
जब छुट्टी मना के आएगी तो दिखाऊंगा तुम सबको। ये पहनोगे तो लड़कियां तुम पागल हो जाएगी, कहेगी कौन है ये क्यूटी पाय मेरा गोलू मोलू। मेरी थोड़ी ज्यादा छुट्टियां मतलब ज्यादा साल। लड़कियां तो वैसे भी मेरे पीछे पागल है। हाथ फट गया रे। ओ बॉडी दिखाओ। ये देखो हमार बॉडी। ये स्वेटर है हा? रजाई लग रही है, रजाई मोटी मोटी रजाई। ये टोपी पहन के तो तुम हॉट लगोगे। हमारा तेगुआ पहले से ही हॉट है, अब ये पहन के कहीं जल ना जाए। बहुत गर्मी लग गई रे। कितनी भेड़ को नंगा किया था इसे बनाने के लिए तूने? 10 भेड़ ओनली। तेगुआ तो कोई महंगा कुछ लेके आया। नामजिन भाई आप इसे पहनोगे तो वर्ल्ड वाइड सुंदर हो जाओगे। अब मैं अपन तो पैदा ही वर्ल्ड वाइड हैंडसम हुआ है। शांति शांति, तुम ही वर्ल्ड वाइड सुंदर और कोई नहीं। इसे पहन के तो नामजिन माल बन जाएगा माल। अबे मत बोल, हार्ट अटैक दिलाएगा क्या इसको? आरएन सुंदर है तो मैं तो मर ही जाना जहर खा के। तो मर जा, मैं हूँ सुंदर। तो गाइस दैट वाज फॉर टुडेस वीडियो। ओके वो वैसे थोड़ा सा हाफ में वहीं पे कट हो गया, बट अभी पार्ट टू में देखेंगे, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इसमें मतलब सेटिंग अप ही था जो अगले एपिसोड में होने वाला है, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली बैक स्टोरी मिल गई भी अगले एपिसोड में कैसा होने वाला है एक दूसरे को अपने। एक्चुअली में मतलब आई बिलीव यही होएगा रियल वीडियो में भी, जो BTS रन एपिसोड में भी एक दूसरे को अपने कपड़े पहनाने वाला है शायद, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। या ऐसा होएगा दूसरे एपिसोड में भी एक दूसरे के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब एक पर्टिकुलर वार्डरोब से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट हाँ, तो अभी आई गेस क्यूर लाइफ रेगुलरली आए करेंगे अपनी वीडियोज में, लाइक स्पॉन्सरशिप में जो मतलब अपना फेस दिखाने। तो हम डेली देखेंगे। जैसा कि आपने बोला था पिछली बार, मैंने थोड़ा सा बुरा बोल दिया इस बार, अच्छा जवाब। ओह माय गॉड, योर लाइफ मजा आ गया, स्वाद आ गया। नहीं, काफी अच्छा लगा देख के भी दोबारा इतने टाइम बाद। व्हाट, चलो सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, नॉट अ सेम अगेन, बाय।